इस मन को कैसे शुद्ध किया जाए कि मन हमारा ऐसा बन जाए। सारा खेल मन का है, शरीर का भी इतना बड़ा खेल नहीं है, इंद्रियों का भी इतना बड़ा खेल नहीं है, सारा खेल मन का है। ऊपर से कोई व्यक्ति भजन कर रहा है और अंदर से मन में अलग अलग प्रकार की प्यास है, जिसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की प्यास होती है। एक होती है वित्तैषणा, तीन प्रकार की ऐषणाओं को तृष्णा कहते हैं, त्रिऐषणा इति तृष्णा, तृष्णा को प्यास कहते हैं। ऐषणा अर्थात प्यास का जो मूल है, ऐषणाएं प्यास कहलाती हैं। तीन प्रकार की ऐषणाओं की प्रायः संसार में प्यास रहती है और ये प्यास जीव मरते मर जाता है, लेकिन ये प्यास जाती नहीं। एक प्यास होती है, इसको कहते हैं वित्तैषणा। वित्तैषणा इसको कहते हैं कि जीव की वित्त की इच्छा होती है, वित्त मतलब धन की इच्छा होती है। आज संसार में लोग भगवान के भक्तों की संगति करने के लिए क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उनकी धन की जो प्यास है, ये उनको बांध करके संसार में रखती है, उनको निकलने नहीं देती। उनको लगता है कि धन बहुत काम की चीज है। भगवान इतना काम की चीज नहीं है जितना कि धन काम की चीज है। इसलिए धन की जो ऐषणा है, ये बहुत घर करके बैठी रहती है। ये प्यास छूट जाए तो भगवान की प्यास अपने आप जागृत हो जाए, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। ये प्यास ने हमारे हृदय में भगवत प्यास को ढक दिया है। दूसरे रूप में भगवान की जो प्यास है, उसने संसार की कुसंगति में आकर के अन्य प्यास का रूप बना लिया है। तो अगर उसी प्यास को फिर से अगर कृष्ण की प्यास में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्या नाम है तेरा? हरिप्रिया। क्या करना पड़ेगा हरिप्रिया? समझ में आया मैंने क्या कहा? हमारे हृदय में सबके कृष्ण को पाने की, कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा है। हर परिस्थिति में हम कृष्ण को ही चाहते हैं, लेकिन वो चाहत संसार की संगति में आ जाने से अलग रूप में बदल गई और वो चाहत धन का रूप ले लिया कि अब हमें कृष्ण नहीं धन चाहिए। कैसे बदली? संसार की कुसंगति, संसार की बुरी संगति से। तो अगर उसे फिर से धन की चाह से, धन की चाहत से कृष्ण की चाहत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? हरी नाम लेना पड़ेगा। ताली बजाओ सब इसके। और कुछ? और कुछ? माधव, क्या करना पड़ेगा? कैसे वो बदल गई उसकी प्यास? कृष्ण की प्यास से धन की प्यास में कैसे बदली? कैसे बदली? संसार की कुसंगति से।
फिर से अगर इसका मतलब संगति करने से प्यास बदल जाती है, फिर से उसे वापस लाना है तो कैसी संगति करनी पड़ेगी? भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। कैसी संगति करनी पड़ेगी? भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, अच्छे भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। समझ में? ऐसे भक्तों से दूर रहना पड़ेगा जो कपटी हैं। जैसे जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे प्रभु जी बोलेंगे मैं आपको मैं कपटी लगता हूं क्या? जैसे रावण था, साधु बन करके वो कपटी वेश धारण किया था। जो कपटी होता है ना, वो कभी नहीं बोलता मैं, बोलता है क्या हो? कपट पता चल जाएगा लोगों को, फिर ऐसे कैसे बोल देगा कि मैं? जैसे आपने बोला, आप विनम्र हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। कपटी व्यक्ति कैसे बोल देगा मैं? मैंने बोला क्या मैं? बोलो, मैंने बोला मैं। क्योंकि मैं तो अपने कपट को छुपाऊंगा ना, मैं कैसे बोल दूंगा कि मैं हूं ऐसा? इन्होंने अपनी सरलता को व्यक्त कर दिया, विनम्रता को व्यक्त किया। लेकिन ऐसी विनम्रता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। असलियत में विनम्र कोई है तो उसको छुपाना चाहिए, विनम्रता ऐसे व्यक्त नहीं करना चाहिए, नहीं तो विनम्रता चली जाती है। जो कपटी होगा बोलेगा कि मैं कपटी हूँ? छुपाएगा, बोलेगा मैं महान भक्त हूँ। जैसे मैं आपको अपने सामने बोला मैंने मैं कपटी, लेकिन हूँ कैसा? कैसा हूं? भक्त हूं ना। अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? भक्त हूं, भक्त हूं। देखा, छुप गया कि नहीं कपट मेरा? आप लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए ऐसे भक्तों की संगति से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो होगा प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संतों से आश्रय लेने से। तो तीन प्रकार की प्यास में मुख्य रूप से हमारी जो कृष्ण की प्यास है, कृष्ण की जो भावना है, बदल जाती है। और हमारी भावना धन की भावना में बदल जाती है। जो भक्त होने चाहिए वो तो भक्ति नहीं बन पाती है, धन की भावना विकास कर जाती है। इसे वित्तेषणा कहते हैं। दूसरी इच्छा होती है उसको कहते हैं दारेषणा। क्या? दारेष्णा अर्थात दारा मतलब पत्नी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। अर्थात पुरुष के लिए स्त्री की चाह और स्त्री के लिए पुरुष की चाह, ये भी बड़ी प्रबल है। ये संसार के सब जीवों में पाई जाती है, यहां तक कि पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। वहां पर भी लताएं और वृक्ष आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वहां पर भी संसार की तरह व्यवहार होता है, परागण आदि के द्वारा होता है। इसलिए वहां भी चाह है, जड़ शरीरों में भी ये चाह बनी हुई है। इसे दारेष्णा कहते हैं। इससे हम काममय हमारी भावना बन जाती है, कृष्णमय नहीं बन पाती। इससे भी छूट पाना बहुत कठिन। और एक ऐष्णा होती है उसको कहते लोक ऐष्णा, अर्थात मेरे नीचे कुछ लोग होने चाहिए, मेरे फॉलोअर कुछ लोग होने चाहिए। कोई नहीं बन पा रहा, कम से कम परिवार के लोग ही मेरे फॉलोअर बन जाए, इसे लोक ऐष्णा कहा जाता है। सब मेरी आज्ञाकारी बने,
जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं सब मेरे आज्ञाकारी बने। ये भी क्या है, लोकेशना कहलाती है। इसलिए आदमी गुरु बनना चाहता है। अगर कोई कहता है कि सब कृष्ण के आज्ञाकारी बने तो वो वास्तविक गुरु है, और कोई चाहता है कि मेरे इतने सारे शिष्य होने चाहिए जिनको कि मैं दीक्षा दे करके अपना अनुयायी बना सकूं, वो सब लोकेशना के अंतर्गत आता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा न धनम न जन्म न सुंदरम, ये तीन बातें मुख्य रूप से महाप्रभु ने समझाया। तब उसके हृदय में अहेतु की भक्ति की कामना जागृत होगी, उससे पहले नहीं होगी। उससे पहले तो भक्ति भी उसकी हेतु की बन जाएगी। भक्ति भी करेगा तो इन्हीं तीन हेतु को ध्यान में रखते हुए करेगा। ये तीन चीजें अगर उसे भक्ति में मिल रही होंगी तो स्वीकार करेगा, नहीं मिल रही होंगी तो छोड़ के चल पड़ेगा। भक्ति में अगर उसकी धन की आपूर्ति हो रही होगी तो ठीक है, भक्ति में स्त्री की आपूर्ति हो रही होगी तो ठीक है, भक्ति में उसकी इज्जत हो रही होगी, लोग पूछ पाछ कर रहे होंगे उसकी तो ठीक है, तब वो भक्ति करेगा। उसको कहते हैं हेतु की भक्ति। कैसी भक्ति? हेतु की। कोई ना कोई कारण है भक्ति करने के पीछे। क्या कारण है? पैसा मिल रहा है, दूसरा सम्मान हो रहा है, तीसरा स्त्री प्राप्त हो रही है या स्त्री को पुरुष प्राप्त हो रहा है। ये चाहत कहाँ होती है? बोले ये इच्छा मन में होती है। कहाँ होती है? मन में होती है। जब इस मन की शुद्धि हो जाती है तब अंदर से ये चाहत बदल करके फिर से कृष्ण की चाहत में बदल, और ऐसी चाहत में बदल जाती है कृष्ण की कि फिर वो कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहता है। फिर जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कही। फिर वो कोई प्रयत्न संसार में नहीं करता। तो प्रयत्न कौन कराता है किसी भी काम के लिए? इच्छाएं, चाहत। धन की चाहत है तो काम कराएगी, स्त्री की चाहत है, स्त्री को पुरुष की चाहत है तो काम कराएगी, और मान सम्मान आदि की चाहत है, कुछ फॉलोअर लोग चाहिए उनकी चाहत है तो काम करता है व्यक्ति। चाहत की आपूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है। जब उसकी भक्तों की संगति से चाहत बदल जाती है और केवल कृष्ण की चाहत बन जाती है, तब उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर तब भी तो काम करेंगे ना। तब कौन सी चाहत के लिए काम करेंगे? कृष्ण की चाहत के लिए काम करेंगे। तब किसकी चाहत के लिए कार्य करेंगे? कृष्ण की चाहत के लिए। समझ में आ रहा है? जब कृष्ण की चाहत के लिए जब कार्य चालू हो जाएगा पूरी तरह से, तब नैव कुर्वन न कारयन। फिर वो संसार में कोई भी कार्य करते हुए भी वो कार्य उसका नहीं माना जाएगा, वो कार्य दिव्य स्तर का हो जाएगा। फिर उस कार्य के द्वारा वो कभी बंधन में नहीं बंधेगा। अन्य इच्छाओं के लिए अगर कार्य किया जाएगा तो वो इच्छा उसको जरूर बांध लेगी। वो बोले जब ऐसा होगा तो फिर संसार में कुछ जिएगा कैसे? कहाँ से रोटी पानी आएगा? कहाँ से उसकी व्यवस्था होगी? प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, संत हैं इसलिए विश्वास के साथ बताते हैं, उनकी आवाज़ में एक अलग जादू है, थोड़ा सा ही बोलते हैं, थोड़े से ही सब चीज़ें आ जाती हैं। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक साधारण आदमी के यहाँ पर कोई व्यक्ति काम करता है और निष्ठा से काम करता है, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने यहाँ उसको काम पर रखा हुआ है, वो व्यक्ति उसके रोटी पानी कपड़े आदि सब चीज़ों की व्यवस्था का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है?
भाई इसको अच्छे से कपड़ा ठीक ठाक पहन के रहे, हमसे जुड़ा हुआ है ना, हमारे यहाँ काम कर रहा है। कई बार उसको कुछ गिफ्ट देने की इच्छा हो जाती है उसको, कि भाई इतने दिन से काम कर रहा है, चलो होली पर दीपावली पर इसको कुछ भेंट कर देते हैं। उसको कोई बीमारी हो जाए, तू चिंता मत कर, तू हमारे यहाँ काम करता है, चल तेरे को हम इलाज करा देते हैं या इलाज का रास्ता बताते हैं, उसका पैसा ढीला, हर चीज का उसका ध्यान रखने का एक लगाव हो जाता है अपने आप ही। कि नहीं, जो व्यक्ति पैसे पर काम कर रहा है उस व्यक्ति से साधारण व्यक्ति ऐसा लगाव उत्पन्न कर लेता है कि उसे अपना मानने लगता है और उसकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखने लगता है। जो व्यक्ति बिना पैसे के किसी को समर्पित होकर काम कर रहा हो उसका ध्यान, जो केवल प्रेम से ही काम कर रहा हो उसका ध्यान रखेगा साधारण व्यक्ति की नहीं, उसका ध्यान रखेगा। और जब वो व्यक्ति भगवान के यहाँ काम कर रहा हो, भगवान कोई गरीब है क्या, तो भगवान उसका ध्यान रखेंगे कि नहीं, भगवान कितना ध्यान रखेंगे। इसलिए भगवान के ऊपर बातों पे भरोसा होगा कि नहीं होगा, इसके चलते भगवान ने गीता में वचन दे दिया, बोले कोई मेरे लिए काम करे ना तो नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश होने नहीं देता, सदा में मेरे भक्त की रक्षा करता हूं। तब उसके संसारी काम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, फिर उसको संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी, लेकिन मन से वो किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता, मन से नहीं होता। जैसे पांडव लोग हैं, वो मन से कह रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं राज, लेकिन कृष्ण ने उनको राजपाट दिया कि नहीं दिया, कितना बड़ा राजपाट दे दिया, सारे संसार का सम्राट बना दिया, लेकिन मन से उनके अंदर ऐसा कोई अहंकार नहीं है, क्या पाने की, राज्य पाने की। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर को पता चला अच्छा कृष्ण चले गए, एकदम से राजपाट छोड़, फिर हम यहां क्या कर रहे हैं, चलो हम भी छोड़ के सब छोड़ दिया, एक क्षण में छोड़ दिया। इसका मतलब उनकी चाहत कहाँ अटकी थी, कृष्ण में, उनकी मन की चाह केवल कृष्ण में। द्रौपदी स्वयंवर हो रहा है, यज्ञ उत्पन्न द्रौपदी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई, तेजस्वी स्त्री है, पंच कन्याओं में से एक कन्या है, जिनका की कन्यत्व कभी भंगी नहीं होता, ऐसा दिव्य स्वरूप है, जिनके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप है उनका। दुर्योधन आदि सब स्वयंवर में गए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि अर्जुन एकदम से कूद पड़े हों कि नहीं मैं ही जीतूंगा इनको, तो इतने बड़े धनुर्धारी हैं, कोई अंदर लालसा नहीं, कृष्ण की इच्छा से व्यवहार जगत में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई भोग की बिल्कुल भी मन में लालसा नहीं। अंत में सबने प्रयास किया, फिर भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया और अर्जुन ने जीत लिया, विवाह हो गया, माता के पास आए, थोड़ी सी मजाक करने का प्रयास किया, तो वो मजाक को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हो गए। कैसी गंभीरता, बोले अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, पांचों भाइयों की पत्नी रहेगी, ये कितना बड़ा धर्म संकट है, कितना बड़ा अधर्म है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरी पत्नी के साथ ऐसे कोई कैसे शेयर कर सकता, खाली आदमी को भ्रम बश ही अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना गलती से भी, तो भी आदमी सहन नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति एक पड़ोसी को मैसेज डालता है कि मैं आज हिम्मत करके आपको मैसेज लिख पा रहा हूं कि मैं
पिछले 6 महीने से आपकी वाइफ को शेयर कर रहा था, लेकिन इतने दिन से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको बताने की। आज मैंने हिम्मत किया कि मैं आपकी वाइफ के साथ पिछले 6 महीने से शेयर कर रहा था। और फिर वो लगता विशेष रूप से तब करता था जब तुम ऑफिस चले जाते थे। क्या करता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके आपको बताया। और उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि और भी लंबा लंबा मैसेज लिखता गया वो, तो उसने तुरंत ड्रॉवर से पिस्टल उठाया और पड़ोसी के घर में जाकर के सीधा शूट कर दिया उसको। और काफी लंबा मैसेज लिखने के बाद लास्ट में जब वापस आए तब तक उसने एक मैसेज उसको ड्रॉप किया था, वो पढ़ नहीं पाया था उसको। तो उसमें वो लिखता है, सॉरी मैंने गलती से वाइफ लिख दिया, वास्तव में वो वाइफ आई था। शब्द तो सेम है WIFI, लेकिन उसमें बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए था। तो बोले मैसेज में मेरे को वाईफाई लिखना था लेकिन मैंने वाइफ लिख दिया। हो जाता है आदमी से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको बचा सकता है वही जा करके, पहले ही मार के आ गया उसको। तब वो मैसेज देख करके उसको हिल गया एकदम से, क्या कर सकता है। लेकिन उससे सहन नहीं हुआ, नहीं तो बैठता बातचीत करता, पत्नी के साथ बातचीत करता। उसने वाईफाई को गलती से मैसेज ड्रॉप कर दिया, उसने वाइफ बोल करके बेचारा। इससे पता चलता उसकी दारेशना कितनी प्रबल थी। और यहां अर्जुन की कोई इच्छा ही नहीं, वहां तो झगड़ा हो रहा है, नहीं नहीं आप पत्नी को रख लो, वो कह रहे नहीं नहीं आप रख लो, नहीं आप रख लो। सारे संसार की सर्वश्रेष्ठ यज्ञ उत्पन्न सुंदरी और उसके प्रति कोई लालसा, उनके हृदय में क्या इच्छा है, केवल कृष्ण की इच्छा है, केवल कृष्ण की इच्छा है। बाकी व्यवहार जगत में व्यवहार हो रहा है, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं, न उनकी वित्तेषणा है, न उसकी उनकी दारेषणा है, न उनकी लोकेषणा है कि भाई हमें लोग पूछें हमारे इतने फॉलोअर बन जाए इतने। ठीक है, निहत्थे कृष्ण ही चलेंगे, हमें नहीं चाहिए नारायणी सेना। पता चलता है क्या इच्छा है, केवल कृष्ण की इच्छा है। और जब उस स्थिति में कृष्ण की इच्छा है अंदर हृदय में, तो कार्य किसके लिए होंगे, कृष्ण के लिए। तो क्या संसार में फिर हम भूखे नंगे मरेंगे क्या, नहीं। कृष्ण ने पांडवों को ये सारी चीजें दी कि नहीं दी, उनको वित्त दिया कि नहीं, कोई धन का अभाव रखा उनके लिए, उनके लिए कोई स्त्री का अभाव था, उनके लिए कोई लोगों का सम्मान में कोई कमी थी, लोगों के हृदय में उनके प्रति सबने सम्मान भी किया उनका, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, दुर्योधन का कोई सम्मान नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें मिली भी कि नहीं मिली, मिली किसके लिए, काम करने पर, कृष्ण के लिए काम करने पर। जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो कृष्ण ना केवल रक्षा करते हैं बल्कि कृष्ण ये सारी चीजें भी अपने साथ साथ प्रदान करते हैं। इसलिए इन सब चीजों का लालच छोड़ करके केवल किसके लिए काम करना सीखना चाहिए, कृष्ण के लिए काम करना सीखना चाहिए। और ऐसा बड़े होकर के नहीं, बचपन से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, बचपन से ही ऐसा बनना चाहिए। फिर देखो भगवान क्या लीला नहीं करते।
इतिहास में सदा सदा के लिए नाम हो जाएगा और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। लोगों के इतिहास में नाम हुए हैं, जैसे भगत सिंह हुए, लेकिन वो मारे तो गए ना। जैसे गुरु नानक देव के चार बेटे हुए, उनको देखते देखते दीवार में चिन दिया गया ना, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, छोटे थे, कट्टर थे, देशभक्त थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं थे। भगवान का अगर कोई अनन्य भक्त बालक भी बन जाए तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे कि नहीं? क्योंकि भगवान का वचन है, नमे भक्ता प्रणश्यति। उसी काल में भगवान के अनन्य भक्त भी हुए, बचपन से ही नामदेव जी महाराष्ट्र में ऐसे भक्त हुए कि बचपन में ही भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया था, बड़े होकर के भगवान ने उनसे रोटी खाया, भोजन किया। ऐसा प्रभाव था कि उनकी कुटिया जल गई थी तो उनकी भगवान ने नई कुटिया भी बना के दिया, अद्भुत कुटिया बना करके दिया, ऐसी झोंपड़ी जिसके पर्दे फूलों के थे जो कभी मुरझाते नहीं थे। कभी कभी हम लोग भगवान का फूलों से श्रृंगार करते तो जिस दिन श्रृंगार करते कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन वो मुरझा जाते हैं दो दिन के अंदर, फिर फेंकने पड़ते। और वो कभी मुरझाए नहीं तो कैसा लगेगा? अच्छा, उस कुटिया के पर्दे ही ऐसे सुंदर पुष्पों के हों जो कभी मुरझाए ही नहीं, और भगवान खुद ही बना करके गए। उसका ऐसा प्रताप हुआ उनके उस प्रभाव के कारण कि लोग उनके पीछे भक्त बनने लगे उनके इस प्रभाव को देख करके। लोग थोड़ा प्रभाव देखते हैं ना। प्रभुपाद जी का भी भक्ति के कारण ऐसा प्रभाव था। आइए प्रभु जी, प्रभुपाद जी का भी ऐसा प्रभाव था। प्रभुपाद जी के पास कुछ था नहीं, लेकिन भक्ति के कारण प्रभुपाद जी को सर्वस्व दिया लोगों ने कि नहीं दिया? प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, ये बालक है हेनरी फोर्ड करके, इसने हमें 2.5 करोड़ रुपया दान दिया है। उनका ऐसा प्रताप था ना, तब 2.5 करोड़ रुपया दिया ना, हमें तो कोई 2.5 रुपया भी नहीं देता आसानी से, प्रताप ही नहीं। प्रभुपाद जी का ऐसा प्रभाव, लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी बन गए। नामदेव जी का भी ऐसा प्रभाव था, लोग उनके पीछे अनुयायी बन जाते, भक्त बन जाते थे, उनकी चारों तरफ प्रतिष्ठा होने लग गई। उस समय मुगलों का शासन था, तो मुगलों के सरदार बादशाह को पता चला तो उसने सोचा कि ये नामदेव अगर मुसलमान बन जाएगा तो बहुत सारे लोग मुसलमान बनाए जा सकते। तो उन्होंने अब नामदेव को सीधा सीधा कैसे मुसलमान बनाए, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर हैं उनके, अनुयायी हैं। तो उन्होंने क्या किया, नामदेव जी को फौज फाटा भेज करके बुला लिया। नामदेव जी चले गए दरबार में, वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक गाय जिसने कुछ दिन पहले ही बछड़े को जन्म दिया, उस गाय को उनके सामने काट दिया गया। और जब काट दिया गया तो बोले, हमने सुना है कि आप बहुत भगवान के भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं, आपके गोविंद को कहो कि इसको जीवित कर दे, अगर सामर्थ्य है तो इसको जीवन दान दिलाओ, नहीं तो आप मुसलमान बन जाओ, कुछ चमत्कार दिखाओ, बहुतों को आप गुमराह कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगी, आपको सिद्ध करनी पड़ेगी अपनी सिद्धाई। वो इतने विनम्र थे कि अरे किसको जीवन देना है, किसको मारना है, ये मेरा कार्य थोड़ी है, ये तो गोविंद का कार्य है, और मैं गोविंद का भक्त हूँ, गोविंद मेरे भक्त थोड़ी है,
मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने का अधिकार है, मैं उनको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ कि इसको जलाओ? इसलिए तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको जलाएंगे, किसको मारेंगे। इसमें भैया मेरा कोई चमत्कार नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोलिए तुम्हारा पाखंड है, आज सामने आ गया। इतने दिन से लोगों को तुमने गुमराह किया, कोई चमत्कार नहीं तुम्हारे अंदर। तुम ये सब फिलोसफिकल शब्द बोल करके अपने आप को बचा रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान को कैसे कह सकता हूं? तुम्हारे भगवान में अगर सामर्थ्य है तो उनको बोलो जिंदा कर, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, सिद्ध हो जाएगा सबके सामने दरबार। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो बोले तुमने बहुतों को गुमराह किया, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड देने के अलग अलग तरीके होते थे। दुष्ट लोग बड़े क्रूर तरीके अपनाते हैं। तो उन्होंने एक हाथी को बुलाया, हाथी को मदिरा पान कराया और सबके सामने बोले हाथी या तो कुचल देगा या चीर देगा इनको और सबके सामने दंड दिया जाएगा। लोगों को पता चलेगा, वो अपना भजन कर रहे हैं। वो ऐसा कोई भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भाई गाय को जिंदा कर दो या मेरी रक्षा कर लो, कुछ नहीं। उसके अंदर तो चाह ही नहीं है ना बचने की या मरने की, कुछ ऐसी चाह ही नहीं है, वो तो कृष्ण का भजन करता है बस। तो अपना भजन कर रहे हैं, हाथी आया मदिरा पान किया हुआ। तो हाथी उनको सूंड मार करके प्रयास कर रहा है कि सूंड से मार करके इनको नीचे गिरा दिया जाए और फिर पैर से कुचल दिया जाए। वो हाथी सूंड मार रहा है, अनेकों उपाय कर रहा है, लेकिन हाथी की सूंड आदि का कुछ नामदेव जी के ऊपर असर ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दीवार को हाथी मार रहा है। अब बड़ा दीवार हो तो सूंड से थोड़ी टूट जाएगी, उल्टा हाथी की सूंड में लग जाती। हाथी मारता और उनको कुछ नहीं होता, वो चुपचाप अपना भजन कर रहे हैं और हाथी चिंगाड़ने लगता है सूंड मार करके उल्टा। लेकिन मदिरा पिया हुआ है, आसानी से छोड़ भी नहीं रहा है, बार 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 प्रयास कर रहा है, अंत में कुछ भी नहीं हुआ। और वो भी अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि भाग रहे हों वहां से, थोड़ा हाथ पैर चलाने का प्रयास कर रहे जितना वो बचा सकते अपने स्तर पर, साथ में भजन में लगे हुए। तो ये सारा दृश्य तो सब लोग देख रहे थे कि हाथी से बचना, हाथ पैर चला के कौन बच सकता है। अंत में राजा ने देखा कि अच्छा ये हाथ पैर चला रहा है, इसके हाथ पैर बांध दिए जाए। तो हाथ पैरों में बीड़ियां और हथकड़ियां डाल दी गई। अब देखते हैं कैसे बचाए। जब हाथ पैर बांध दिए गए तब फिर हाथी बढ़ा, तो वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या देखा गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान प्रकट हो गए, गोविंद भगवान साक्षात रूप से आ गए। और साक्षात रूप से आए जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान आए, यहां भगवान ने हाथी को ही मार डाला। और हाथी को मरता हुआ भगवान का दर्शन तो कोई नहीं कर पा रहा है सिवाय नामदेव जी के, लेकिन ये चमत्कार देख रहे। इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये संसार, उससे पहले उनकी मां भी आई नामदेव जी की, माँ आकर के कहती है बेटा मर जाएगा तू, ये लोग बड़े क्रूर होते हैं, एक काम कर तू खुदा खुदा बोल दे, भगवान का नाम छोड़ के खुदा बोलना चालू कर दे, उससे कम से कम जान तो बच जाएगी तेरी। नामदेव जी कहते हैं तुम तो मेरी माँ के हिलाने के योग्य नहीं हो, इतने कट्टर वक्त थे। ये नहीं कि अभी जान बचा लेते, नहीं,
तुम तो मेरी माँ कहलाने के योगी नहीं हो, मैं आपका त्याग करता हूं, आप चले जाओ। बोले मौत भी सामने खड़ी हो या मृत्यु आ जाए या कैसी भी स्थिति हो, मैं तो भगवान गोविंद का ही भजन करूंगा। और भजन करते रहे, चमत्कार हुआ। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु अब आप आ ही गए कि संसारी लोगों में विश्वास लाने के लिए, इतना चमत्कार देखने के पश्चात भी बादशाह का हृदय नहीं पिघला। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और जितने भी मौलाना आदि थे सब लोग बादशाह को बोले, अरे राजन मूर्ख हो गए तुम, बादशाह जल्दी से इनके बराबर सोना तोल करके दान करो, तब तुम बच पाओगे। लेकिन अपनी जिद भी तो होती है ना आदमी की, कितनी बड़ी टक्कर ले रहे हैं। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इतना ही चमत्कार ये तो गाय को जिंदा करके दिखाए। तो जब भगवान आए तो उन्होंने कहा, संसार के लोग विश्वास आसानी से नहीं करेंगे, आप कृपा करें तो ये गाय को जीवित कर दें। भगवान ने तुरंत गाय को जीवित कर दिया। भगवान के लिए क्या कठिनाई थी, किसको जीवित करना है, किसको मारना। अब जब गाय जीवित हो गई तब बादशाह कहता है, ये जादू है, ये तो जादू है, कोई जादू किया इसने, गाय पाए कुछ ऐसे जीवित नहीं हो सकती जिसका गला मैंने काट करके अलग रख दिया हो, गाय को ऐसे जीवित कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, भ्रम पैदा किया इसने। मरी हुई गाय, जब कोई पशु मर जाता है, कोई भी जीव मर जाए तो उसकी सारी इंद्रियां मर जाती है। बोले अगर ये गाय जीवित हुई है वास्तव में तो इसका दूध पिलाया जाए, इसका दूध निकाला जाए, दूध अगर दे देगी तो मानेंगे कि हाँ चलो वास्तव में गाय। लोग कहते हैं ना कई बार जादू वाले आ जाते हैं तो कई बार डब्बा खोल के जलेबी दिखाते हैं तो आदमी को, ये नकली जलेबी है, खा खिला के दिखाओ, खिलाना भी पड़ जाता है कई बार। बोले दूध पिलाओगे तो मानेंगे। नामदेव जी ने बछड़े को आगे किया और गाय के स्तन में दूध आ गया, दूध भर करके पूरा दरबार में राजा के सामने रखा गया, पान करो महाराज। आश्चर्य में डूब गया बादशाह। अब तो जितने भी मुसलमान थे, जितने भी दरबारी थे, राजा मौलाना आदि सब चरणों में गिर पड़े नामदेव जी के। बोले आप हमें अपनी गाय मानकर के जीवन दे दो, अब हम आपकी गाय हैं, आपके हाथ में हैं, हमारी रक्षा करना या नहीं करना। हम समझ गए हमने किस व्यक्ति के साथ दुस्साहस किया है, आप कृपा करके हमारा रक्षा करो। नामदेव जी बोले कुछ लिखित में दो तब रक्षा होगी, कि दोबारा से किसी सनातन धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को तुम नहीं सताओगे, ऐसा लिखित में फरमान जारी करो। ऐसा लिखित में फरमान जारी करना पड़ा। और फिर जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले थे, भक्ति करने वाले थे, सब आए फिर निकल निकल करके। पहले तो कोई नहीं आ रहा था, सब कच्चे खिलाड़ी थे ना, सब निकल निकल के आए। और जो पाखंडी थे, जिन्होंने धर्म को बदल दिया था, जो नामदेव जी की प्रशंसा से चिढ़ते थे, वो बड़े दुखी हो, अरे हम तो इसे मरवाना चाहते थे, उल्टा बादशाह इसकी शरण में पड़ा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं? अवश्य रक्षा करते हैं। रक्षा ही नहीं, रक्षा के साथ साथ वो सब चीजें भी देते हैं जिन चीजों के लिए हम लोग प्रायः संसार में यत्न करते हुए देखे जाते हैं। अब नामदेव जी का यश और ज्यादा फैल गया कि नहीं फैल गया? कहाँ तो वो चाह रहा था कि ये नामदेव हिंदू से मुसलमान बन जाए और फिर सबको एकदम से कन्वर्ट कर दिया जाए, और कहाँ
नामदेव जी ने मुसलमानों को हिंदू बना दिया। कई सारे लोग बोले कोई भी व्यक्ति अगर इस भगवान की शरण लेना चाहे तो तुम रोकेगा नहीं। कई सारे लोगों ने भगवान की शरण लिया इस चमत्कार को देख कर। ये एक भक्त की सत्ता होती है। बीमारी यह है हमारे हृदय में कि हम लोग अपने मन में ये सब इच्छाओं को इतना पाल करके चलते हैं कि ऊपर से अलग स्थिति होती है, धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, माला ले लिया, और कई बार अच्छी आराधना भी कर लेते हैं। जैसे प्रायः प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि किसी स्त्री की शादी हो गई हो और वो अगर किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लिया हो तो घर में कामकाज इतनी अच्छी तरह से करती है कि कोई उसके ऊपर संदेह ही ना कर सके, लेकिन अंदर चिंतन हर समय पर पुरुष का होता है। ऐसे ही कई बार हम ऊपर से मंदिर के कार्यकलापों को इतना अच्छी तरह से कर सकते हैं लेकिन अंदर से मन में हर समय पैसा, हर समय स्त्री, स्त्री के मन में पुरुष, हर समय इज्जत सम्मान। अब ज्यादा लोग नहीं तो एक आध व्यक्ति से ही संबंध है, बोले इज्जत से मेरे साथ पेश आओ, जानते नहीं हम इज्जतदार है, इसने मेरे को प्रभु जी नहीं बोला, इसने मेरे को नाम लेकर के बोल दिया, इसने मेरे को अरे तुरे बोल दिया, इसका मतलब अंदर क्या भरा पड़ा है, लोकेश मेरा सम्मान कब होगा, ऐसा मैं इतना बड़ा सम्माननीय व्यक्ति कब बनूंगा। नहीं, हमारी औकात ही क्या है, हम अपने आप को महान समझते हैं इसलिए सोचते हैं कि नहीं हमारा सम्मान होना चाहिए। ये लोकेश ना कहलाता, ये सब चीजें मिलती हैं जब कृष्ण एषणा जागृत हो जाती है। कृष्ण एषणा जागृत हुई कि नहीं हुई, ये मन का काम है। इसलिए मन में अगर कृष्ण एषणा जागृत हो गई, मन में क्या जागृत हो गया, कृष्ण एषणा जागृत हो गई, कृष्ण के प्रति प्रीति जागृत हो गई, ऐसा व्यक्ति संसार में बोले कई बार सुदुराचारी व्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग उसको कहते कि कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का वो मन में भजन नहीं करता। लेकिन इत्फाक से कोई ऐसा दुराचार बन सकता है, दुराचारी नहीं सुदुराचार भी बन सकता है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को भगवान करे साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, वो सम्यक व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित है, अपनी जगह पर स्थित है, फिर भी उसको साधु ही मानो। किस व्यक्ति की ऐसी दशा है जो मन से अनन्य भाव से भगवान की शरण ले रखा है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति इंद्रियों को बहुत संयमित कर ले रहा है, दुराचारी नहीं सदाचारी व्यवहार दिखा रहा है। इंद्रियां कैसी हैं, संयमित, कर्मेंद्रिय संयम में, लेकिन मन से मनसाचरण, मन से निरंतर विषयों में चिंतन में लगा हुआ है, वो व्यक्ति क्या है, मिथ्याचारी सोचते, उसको मिथ्याचारी मिथ्या आचरण है, झूठा आचरण है, जो भगवान से छुपा नहीं हो सकता, भगवान एक न एक दिन पकड़ लेते। इसलिए वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, वर्तमान में हमारी स्थिति मिथ्याचार वाली है, लेकिन मिथ्याचार वाली स्थिति बनानी नहीं, तो मिथ्याचार वाली स्थिति में से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा, बोले धोती कुर्ता आदि छोड़ करके, सब वेशभूषा आदि छोड़ करके,
फिर जो मन में है वही शरीर से भी करने लग जाएं, इंद्रियों को संयमित ना करें, ऐसा करना है क्या? नहीं, मन में ऐसा विचार लाएं कि जो वेशभूषा, जो आवास विहार आदि हमने स्वीकार किया है मंदिर आदि में रहने के लिए, वैसा ही हमारा मन भी बने, वैसा ही हमारा मन भी बन जाए। तो उस मन को ऐसा बनाने के लिए अंदर से इच्छा लानी पड़ेगी, ऐसी इच्छा अंदर जागृत करनी पड़ेगी, ऐसी इच्छा के प्रति तड़फ लानी पड़ेगी कि मेरा ऐसा गंदा मन है, मैं इस मन से बड़ा परेशान रहता हूं, इस मन को कैसे स्वच्छ किया जाए। तब उत्तर मिलेगा कि इस मन से अगर हम भगवान की भक्तों की संगति करने लग जाएं, तो ये मन बड़ा जल्दी स्वच्छ हो जाएगा। संगति मतलब उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाए। तो आज्ञा पालन की अगर तीव्र इच्छा है और मन में गंदे विचार हैं, ऊपर से वेशभूषा संयम आदि का जीवन दिखाई दे रहा है, तो भी अच्छी बात है, फिर वो मिथ्याचार की कैटेगरी में नहीं आएगा। और जो मन को ऐसा परिवर्तन करना चाहता ही नहीं, जिसके मन में ऐसा है ही नहीं कि मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना है, इस मन को ऐसा सुधारना है, जो ऐसा चाहता ही नहीं और ऊपर से ऐसा व्यवहार करता है, वो क्या है? मिथ्याचारी है। वो क्या है? मिथ्याचारी। और किसी का मन निरंतर भगवान में लगा हुआ है और बाहर की इंद्रियों से कई बार उससे कोई गलत कार्य करता हुआ देखा भी जाए, तो भी सदाचारी है, उसमें साधु बुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि उसका मन उन विषय वस्तुओं को छूता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई बड़ा समझदार टीचर भी छोटा बन जाता है और छोटा बन करके उसके जैसी बातें करता है, उसके साथ खेलता है, उसको टॉफी देता है, उसको लालच देता है, तो उसका जो खेलना है वो उस बच्चे को ऊपर उठाने के लिए है, ना कि वो खुद बच्चा बन गया हो। समझ रहे? प्रायः बहुत सारे लोग जो शराबी आदि होते हैं या जो डॉनगिरी किए हुए होते मार्केट में, ऐसे लोगों को अगर प्रचार करना है तो थोड़ा उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। तो जब उनकी भाषा में बोलते तो वो एकदम से कन्विंस हो जाते, ऐसा लगता है ये हमारा ही आदमी। तो कई बार कोई भक्त पूर्व में अगर ऐसा हो और वो भक्त बन गया हो, तो उसको तो पता है ना कि क्या होता है इस लाइन में, तो उन लोगों के साथ उस लाइन की बात करता है तो वो एकदम से अटैच हो जाते हैं। तो वो बातें जो कर रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं रहा, वो उस स्तर पर जा करके उस व्यक्ति के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर रहा है जिससे कि वो उसके साथ हुक हो जाए, और जब हुक हो जाएगा तो एकदम से बदल जाए। ऐसे कई सारे भक्तों को मैंने देखा है जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बदल दिया, क्योंकि वो खुद पहले ऐसे थे तो उनको सारी बातें उनकी पता रहती थी। तो ऐसे लोग कई बार इस प्रकार से व्यवहार करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सदा ही निर्मल होता है, अनन्य भाग होता है, ऐसा भगवान का वचन है। अन्य कोई उनके हृदय में इच्छा आ नहीं सकती, वो सदा ही कृष्णमय जीवन जीते हैं। इसलिए जो मनुष्य शरीर है ये केवल कृष्ण की चाह उत्पन्न करने के लिए मिला है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं सुखम वशी, ऐसा व्यक्ति सुख से इस नौ द्वारों वाले शरीर में, जबकि ये नौ द्वारों वाला शरीर एक कैद खाने की तरह है,
कैद खाने में किसी को सुखी नहीं देखा जा सकता, अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ श्वेता सूत्र उपनिषद का प्रमाण दे रहे, बोले नव द्वारे पुरे दही हंसो ले लाए थे वही वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखम वशी। ऐसा व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी सुखी रहता है। तो अब नामदेव जी को कोई टेंशन नहीं क्या किसी चीज का, वो अपना भजन कर रहे, अपना आनंद। आज हमको बोला जाए भाई भजन करो, होता है हमसे भजन? क्यों? कृष्ण की चाह नहीं। और कोई बड़ा आदमी आ जाए वो कहे कि हाँ आप मेरे लिए कुछ करेंगे ऐसा, बड़े आदमी के हम एकदम से पीछे पीछे भागना चालू कर देंगे, क्योंकि हमें क्या है उससे चाहत है कुछ ना कुछ, या तो लोकेष्णा की चाहत है, या दारेष्णा की चाहत है, या वित्तेष्णा की चाहत है। इसलिए ये इन केन प्रकारेण भक्तों के सानिध्य में रहते हुए, ये चाहत ऐसी आसानी से नहीं जाएगी, भक्तों के सानिध्य में रहते हुए धीरे 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 ये चाहत रूप बदलेगी। इसलिए बचपन से ही हमें इतना अपने हृदय में उत्साह के साथ थोड़ा भक्तों का सानिध्य पाने की चेष्टा करें।